दैनिक क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि हम इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशंस या थर्मल पावर प्लांट पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ को आज चलाते हुए आगे को, और तो हम कवर कर रहे थे थर्मल पावर स्टेशंस जो इंडियाज़ टॉप थर्मल पावर स्टेशंस हैं। तो उन्हीं सीरीज़ को आज आगे चलाते हुए हमने लास्ट वीडियो में पार्ट वन कवर करा था, और पार्ट वन में हमने कवर करा था 5 टॉप थर्मल पावर स्टेशंस, और इसमें हम 5 कवर करेंगे, और इस तरह से इंडियाज़ टॉप 10 थर्मल पावर स्टेशंस कवर कर ले जाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और उनके फैक्ट्स भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। साथ ही इसमें ये भी डिस्कस किया जाएगा कि ये किसकी मदद से डेवलप किया गया है। जैसे जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में 5 पावर जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उन्हें हमने कवर करा था, तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर जो है पार्ट 2 इंडियाज़ टॉप 10 थर्मल पावर स्टेशंस। अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और उसी के बाद इसे देखें, क्योंकि इसमें 5 कराए जाएंगे उसके बाद से, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी मैंने इसमें डिस्कस किया है, तो ये सफिशिएंट होगा। क्योंकि ज़्यादातर थर्मल पावर स्टेशंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे उस जगह का नाम पूछा जाता है जहाँ पर वो होता है, और वो है किसकी डेवलप या किसकी मदद से डेवलप किया गया है, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो ये है इंडियाज़ टॉप 10 थर्मल पावर स्टेशंस। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएं। चलते हैं बिना देरी करते हुए जो है इंडिया स्टॉप थर्मल पावर स्टेशंस या प्लांट्स, और ये है पार्ट 2 जो इसमें हम कवर करेंगे। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए, और पार्ट 2 का जो है 6 नंबर पर है, क्योंकि 5 हमने लास्ट में कवर कर लिए थे। 6th पे है तलचेर थर्मल पावर प्लांट या तालचेर थर्मल पावर स्टेशंस। ये बात करूँ तो ये है उड़ीसा के अंगुल ज़िले में है, उड़ीसा के अंगुल ज़िले में है, और इसकी कैपेसिटी की बात करूँ या इसकी क्षमता की बात करें तो 3000 मेगावाट की ये प्रोड्यूस करता है तलचेर थर्मल पावर प्लांट। और अगर बात करें इसको पानी कहाँ से मिलता है, तो इसे जो पानी मिलता है यह इसे ब्रह्मणी नदी से मिलता है, या इसे ब्रह्मणी नदी से पानी मिलता है जो उड़ीसा में बहती है। बात करूँ कोयले की, तो इसे कोयला मिलता है तलचेर माइन से, तलचेर माइन है उड़ीसा में, वहीं से इसे कोयला उपलब्ध कराया जाता है। अगर इसकी इमेज दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये देखिए ये है तलचेर थर्मल पावर प्लांट जो उड़ीसा के अंगुल ज़िले में स्थित है, जिसकी कैपेसिटी 3000 मेगावाट है। चलते हैं नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों 7वें पे कि रिहंद थर्मल पावर प्लांट या रिहंद थर्मल पावर स्टेशंस, ये थर्मल प्लांट भी कह सकते हैं। ये कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िला है, वहाँ पर यह स्थित है। और इसकी क्षमता की बात करें या इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 3000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और कोयले की बात करें, इसका कोयला कौन उपलब्ध कराता है या कोल, तो इसे कोल जो उपलब्ध कराता है वो मध्य प्रदेश से ही इसे कोयला उपलब्ध कराया जाता है। और बात करें इसकी क्या पानी की, तो पानी इसे कहाँ से मिलता है, रिहंद डैम या रिहंद बांध से इसे पानी उपलब्ध कराया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, अगर इसकी इमेज दिखाने की कोशिश करूँ तो ये है रिहंद थर्मल पावर प्लांट जो यूपी के सोनभद्र ज़िले में स्थित है। अगर मैं आपको बात करूँ इसका रेगुलेटर कौन है या इसका संचालक कौन है, तो इसको संभालती है NTPC, यह NTPC का थर्मल पावर स्टेशन है रिहंद थर्मल पावर प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है सीपत थर्मल पावर प्लांट या सीपत थर्मल पावर स्टेशंस। तो अगर बात करें तो यह दोस्तों कहाँ पर है, यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में स्थित है सीपत थर्मल पावर प्लांट। और बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो इसका कैपेसिटी है 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट इसकी क्या है कैपेसिटी है। और बात करें इसे पानी कहाँ से आता है, तो इसको पानी हसदेव नदी है, हसदेव नदी से इसे पानी उपलब्ध कराया जाता है। बात करें हसदेव नदी की, तो यह है महानदी, जैसा कि हमें पता है महानदी है, महानदी की ट्रिब्यूटरी है ये हसदेव, यानी उसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है हसदेव, इसी से इसे पानी उपलब्ध कराया जाता है।
बात करें कोयले की तो इसे कोयला कराता है कौन? NCL यानी नेशनल कोल लिमिटेड। नेशनल कोल लिमिटेड के द्वारा इसे कोयला उपलब्ध कराया जाता है जो गवर्नमेंट की एक यूनिट है। और अगर आपको इसकी इमेज दिखाने की कोशिश करूँ मैं तो इसकी इमेज दिखाने की ये देखिए ये है सीपत थर्मल पावर स्टेशन या प्लांट। चलते हैं नेक्स्ट पर दोस्तों। नेक्स्ट है चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट। चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट की बात करूँ तो यह है दोस्तों यह महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी क्षमता कितनी है तो इसकी क्षमता है दोस्तों 2900 मेगावाट या 2900 मेगावाट इसकी क्षमता है। इसको पानी कहाँ से उपलब्ध कराया जाता है तो इसको पानी नर्मदा नदी से उपलब्ध कराया जाता है। और अगर बात करें कोयले की तो कोयला या कोल इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है या इसको उपलब्ध कराती है। बात करें इसकी रेगुलेटर की तो ये किसके संचालक में या किसका रेगुलेटर कौन है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही इसकी रेगुलेटरी बोर्ड है, ये रेगुलेट करती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही किसे? चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट को जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्मल पावर प्लांट पे। ये है इसकी इमेज चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है जो 2900 मेगावाट का है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दादरी थर्मल पावर प्लांट। दादरी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। और इसकी अगर बात करूँ फर्स्ट यूनिट तो इसकी फर्स्ट यूनिट 1991 या 1991 में लगाई गई थी जो इसकी पहली यूनिट लगाई गई थी दादरी थर्मल पावर प्लांट की। बात करें मैं इसकी इसको कोल कौन उपलब्ध कराता है तो इसको कोल झारखंड उपलब्ध कराता है। और पानी की बात करें तो इसे पानी अपर गंगा कैनाल या ऊपरी गंगा नहर से इसे पानी उपलब्ध कराया जाता है। बात करें इसकी क्षमता की या इसकी कैपेसिटी की तो इसकी कैपेसिटी है 2637 मेगावाट या 2637 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगर इसके रेगुलेटर की बात करें दोस्तों तो इसका रेगुलेटर कौन है? NTPC इसका रेगुलेटर है। NTPC इसका रेगुलेटर है जो दादरी थर्मल पावर प्लांट है या इसका संचालक NTPC है। इसकी इमेज दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो ये देखिए ये है दादरी थर्मल पावर प्लांट कितने एकड़ में फैला हुआ है आप देख सकते हैं। ये है दादरी थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं आज हमने टॉप टेन जो कवर कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट्स वो कवर कर लिए हैं। अब छोटे सा फैक्ट जान लेते हैं कि आखिरकार थर्मल पावर स्टेशन कब से शुरू किए गए थे। तो अगर मैं बात करूँ तो इंडियाज फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन कहाँ लगाया गया था तो यह है हुसैन सागर तेलंगाना में, हुसैन सागर के नाम से लगाया गया था तेलंगाना में। और कब लगाया गया था तो यह है 1920 में वहाँ का एक शासक हुआ करता था जो सेवंथ रूलर था उसका नाम था ओस्मान के द्वारा हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट लगाया गया था तेलंगाना में। कब? 1920 में पहला, याद रखना इंडिया का और भारत का पहला था 1920 में लगा था। और यह तेलंगाना का राजा हुआ करता था जो उस्मान नाम था, यह सेवंथ रूलर था तेलंगाना का, यह सातवां शासक था। उस्मान ने ही इसको बनवा कर तैयार किया था और इसमें कोयले की जगह पिपरमिंट का प्रयोग किया गया था। अभी हम देखते हैं कि कोयले का यूज़ किया जाता है फायर के लिए, उस वक्त पिपरमेंट का यूज़ किया जाता था कोयले की जगह जब उस्मान ने इसको बन के तैयार किया था हुसैन सागर को जो तेलंगाना बनाया था 1920 में जो इंडिया का प्रथम या भारत का प्रथम थर्मल पावर प्लांट था। चलते हैं दोस्तों आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और जो हमने इसमें कवर कर रहे हैं इंडियाज टॉप 10 थर्मल पावर स्टेशंस या थर्मल पावर प्लांट, उम्मीद करता हूँ आपके सभी फैक्ट्स में इंक्लूड हो गए होंगे। क्योंकि ज़्यादातर मैं आपसे क्या पूछेगा कि ये प्लांट कहाँ पर है और कितनी क्षमता का है। ज़्यादातर आपसे एग्जाम्स में, वन डे एग्जामिनेशंस में, SSC, दिल्ली पुलिस और DRDO, NTPC, रेलवेज, जितने भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं उसमें आपसे यही ज़्यादातर चांसेस हो सकते हैं ये क्वेश्चंस आने के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतर साबित होगा आपकी तैयारी में। और अगर आपको उसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और बार बार आपको रिवाइज़ कीजिएगा। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि थर्मल पावर स्टेशन से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और आप कितने क्वेश्चंस आसानी से करेक्ट कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों दैनिक क्लासेस को देखने के लिए, उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहतर साबित होगा। धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।